क्या बोल रहे रुचि? मनाई नहीं होगी इस बार, लगाई और पेड़ में झुंझाई की। मैं जैसे ही वहाँ पे काटना शुरू किया वैसे ही दरांती के नीचे सांप आ गया। क्या ये ना आती बाद में है और तो दोस्तों यहाँ से हमारा गांव पूरा दिखता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी के हाल? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो सुबह के करीब 8 बज गए हैं और मैं भी उठ के अभी मैंने नाश्ता भी बना लिया है। मौसम की बात करें तो चारों ओर खिलखिलाती धूप लगी हुई है और आसमान में एक भी बादल नहीं दिख रहा है। दोस्तों मम्मी ने सुबह सुबह उठ के ये कंडी जो है ना बाहर सुखाने डाल दी है पूरी। तो रुचि और मेरी तैयारी है आज डंडा पानी जाने की, तो देखते हैं आज के दिन में वहाँ क्या क्या हो पाता है। यहाँ से मैं और रुचि जाएंगे और रयाला से पापा आएंगे। बाकी घर पे है आज डुगू और मम्मी जी। मम्मी बाय। तो इसको देखो हमारे साथ आने के लिए ना ऐसे कूं कूं कर रखी। बाय डुगू, बाय बाय डुगू। तो दोस्तों यहाँ से हमारा गांव पूरा दिखता है, हमारे घनाल देवता का मंदिर है। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं गांव के ठीक ऊपर पे और यहाँ से जो है ना हमारे गांव का पूरा सेहरा दिखता है। रहा हमारा गांव और ये गांव का सेहरा है, इसे देखिए। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। गांव का रास्ता खत्म होते ही घने जंगल के बीच से होकर जाना पड़ता है। झाड़ियां तो इतनी ज्यादा हो रखी हैं आजकल, जंगली जानवरों का भी डर बहुत ज्यादा है। हाँ भाई रुचि, कहाँ जा रही? छुट्टियां मनाने? बड़ी खुश हो रही थी। छुट्टियां छुट्टियां ले मना भाई, अब छुट्टियां छानी में 2 दिन कर जाए मेरे घर में, 2 दिन माँ कसम टिकूंगी नहीं घर पे। दोस्तों इसका तो बस है 2 दिन का, बाकी मेरा तो भाई अब असूज का महीना है। काली हो जाएगी। जानते ही होंगे आप लोग जो गांव के हैं वो तो जानते ही होंगे कि असूज का महीना किसे कहते हैं और क्या काम होता है असूज के महीने में। बाकी धूप अगर ऐसी ही रही तो अनाज भी जल्दी ही पक के तैयार हो जाएगा और धान की कटाई भी शुरू हो जाएगी, उसके बाद मंडाई तो होगी ही भाई। अगर बारिश होगी तब तो मुश्किल ही है भाई, मंडाई नहीं होगी गाइस, लगाई और क्या बोल रहे रुचि? मंडाई नहीं होगी इस बार, लगाई और पेड़ में झुंझाई, क्योंकि जो धान है वो जंगली जानवरों ने बोला उसको सिर्फ हमने ऐसे उठाने और कटने में डालना है। सही कहा भाई रुचि ने, क्योंकि खेतों का जो इतना नाश करा हुआ है ना जंगली जानवरों ने कि क्या ही बताएं, उस वो तो ना पराल के काम आएगा, धान तो खैर है ही नहीं कुछ काम का। ऐसा उसको उलट पलट कर रखा है सीधे, मतलब ऐसा लपड़िया के सो रहे हो वहाँ जैसे कि उसकी जमीन होगी। छानी में भी पहुंच गए हैं, बाकी धूप बहुत तेज हो रही है अभी, पता नहीं कैसे कर पाएंगे आज काम दिन में। दोस्तों देखिए ये ना आती बाद में है और यहाँ देखिए इसको, देखो देखो भाई भूखे लोगों को देखिए। तो भाई दोस्तों चलते हैं जरा। तो ताई जी भी लगी हुई है यहाँ पे काम करने में। ताई जी क्या कर रहे हो? अच्छा वो ठीक है सब, करो करो काम करो। ये घास हमको काटनी है, बाकी उसको फिर इधर सुखाने डाल देंगे। रुचि ओ रुचि चल लग जा काम पे, उठा दरांती, चल हो जा शुरू। कहाँ से करना शुरू? इधर का उधर, उधर का इधर, अब इधर का उधर कर और उधर का इधर कर, फिर शुरू हो जा। तो दोस्तों अभी पापा भी आ चुके हैं रयाला से। हाय पापा। Hi. तो अर्चना जी कैसा लग रहा है आपको घास काटते हुए?
आराम था ना कुछ महीनों का, ये पूरा इन खेतों ने आराम कर दिया है हमारा। अब तो आराम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जहाँ जहाँ हमने ये सारा घास काटा वहाँ आप सरसों बोएंगे अब ना? आज की कल बोएंगे? भाई दोस्तों पेट पूजा भी जरूरी है तो एक बार सेब खा लेते हैं, क्या है ना भूख भी लग गई है थोड़ी थोड़ी। बाकी अभी इतना सारा तो हमने काट लिया है और बाकी ये रह रखे है अभी नीचे नीचे की ओर, बाकी इसे भी काट देंगे। भाई इस सांप ने ना मेरे को काट लिया था, अभी मैंने जैसे ही वहां पे काटना शुरू किया वैसे ही दरांती के नीचे सांप आ गया। क्या है वो गुरु? सांप? नहीं नहीं गुरु बोल दो उसको, सांप नहीं हो पापा, अंदर जा रहा हूं। तो भाई इस जगह पे था वो सांप, अभी उसने काट लिया था मेरे को। अभी भी ये बाकी है काटने के लिए, पर अब डर लगने लग गया कैसे काटना है। रुचि मेरी जगह अगर तू होती तो तू क्या करती? आदित्य जी आपको काम करते हुए कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा है सच में, इसका उल्टा। तो भाई दोस्तों फाइनली घास तो हमने पूरा काट लिया है, अब जैसे कि इंटरवल तो हो ही गया हमारा, खाना खा लेते हैं पहले। और जो हमने घास काटा वो बाकी यहाँ पूरा सुखाने के लिए डाला हुआ है। खाने में है मट्ठा, कद्दू का साग, भात और ककड़ी। तो चलिए जी खाने भी खा लिया है और बाकी अब मेरा काम है ये जो काटा अभी तक उसको बांधना, और इसका काम है उसको खोदना। वहाँ बोएंगे सरसों इसलिए उसको खोद रही है, बाकी पापा इनको जो मैं बांध रही हूँ उनको ऊपर ले जा रहे हैं। दोस्तों दीदी ने जो जितना भी घास था वो बांध बूंद के और पापा के पास उसने दे दिया है, तो अभी वो मेरे साथ यहाँ पे मदद कर रही है। तो भाई दोस्तों अभी हमने ये खोद दिया है और पापा यहाँ पे सरसों बो रहे हैं। चलिए जी यहाँ का काम भी ख़त्म हो गया है, बाकी निकलते हैं अब घर की ओर। मेरे पास कंडी में थोड़ी सी लकड़ियाँ हैं, बाकी रुचि के पास है मट्ठा। रुचि कैसा लग रहा? दोस्तों अभी घर पे भी पहुँच गए हैं और आपने पिछली वीडियो तो देख ही ली होगी, बिल्कुल बेकार से एडिटिंग थी, मुझे खुद वो एडिटिंग अच्छी नहीं लगी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी एडिटिंग करने की। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।